नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बीजेपी को बड़ी जीत की उम्मीद थी। पिछले दो बार जनता ने भारी बहुमत से जिताया। इस बार बहुमत के आंकड़े से वो कुछ दूर जरूर है, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एनडीए की गठबंधन सरकार बनती भी दिख रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी जोश में है। बीजेपी 400 पार सीट का लक्ष्य मानकर इस चुनाव में लड़ी थी। हालांकि इतनी सीटें तो मिलती नहीं दिखी, लेकिन बीजेपी ने लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन किया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक उसके कार्यकर्ता बेहद उत्साहित थे। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर से भी जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। सुबह से ही कार्यकर्ता जुटने लगे थे। बीजेपी हेडक्वार्टर में दिल्ली में हम इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर देखिए जश्न का माहौल अब शुरू हो चुका है और ये रंगीन नजारा यहाँ से आप देख रहे हैं। लोग झूमते नाचते गाते ढोल बजाते हुए और साफ साफ कई सारे समर्थक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पीछे आप पीएम मोदी का एक कटआउट भी देखेंगे और कटआउट के पास भी कुछ दिन पहले वहाँ पर उस कटआउट की आरती की गई। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता जुटे, ढोल नगाड़ों के साथ जमकर झूमते नजर आए। दिल्ली लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां जनता ने पीएम मोदी पर फिर भरोसा जताया। एक काउंटिंग सेंटर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता हर्षित दिखे। एक कार्यकर्ता ने तो अपने बाल भी मुंडवा डाले। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर कब्जा जमाया। यहां की जनता ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को जीत का आशीर्वाद दिया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें कंधे पर उठाकर घुमाया। मैं आभारी हूं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने पांचवी बार रिकॉर्ड मतों से फिर विजयी कराया है। मेरे अगले 5 वर्ष भी समर्पित होंगे हिमाचल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए, गरीब कल्याण के लिए, यहां के विकास के लिए। पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं ने खूब रंग उड़ाया, होली खेली और डीजे पर जमकर डांस किया। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी ने पहली बार एक्ट्रेस कंगना रानौत को उम्मीदवार बनाया। अपने पहले ही चुनाव में कंगना जीती। और मैं आश्वासन देती हूं कि जितना भरोसा उनको हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, उनके प्रशासन में है, उनके विजन में है, उनके विकसित भारत का जो विजन है उसमें है, उसमें मैं उनका, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि एक सेना के रूप में जो है मंडी के विकास के लिए, मंडी की प्रगति के लिए जो है सदा ही तत्पर रहूंगी। ओडिशा एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी ने पहली बार शानदार प्रदर्शन किया है। यहां लोकसभा के साथ साथ विधानसभा सीटों के लिए भी वोटिंग हुई थी। भुवनेश्वर के बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ता लड्डू बना रहे थे। ओडिशा में बीजेपी बंपर सीटें लेकर आई है। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी उसके कार्यकर्ताओं की मेहनत की झलक नतीजों में दिखी है। तो लड्डू एक बूंदी जोड़ के लड्डू बनाया जाता है, जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबको लेके पूरा भारत एक। तो वही लड्डू का एक मैसेज है, सबको मीठा खिलाएंगे। और बड़ी उड़ीसा की जनता ने दिल खोल के छप्पर फाड़ के हमको
बहुमत दिया है। असम में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बेहतर किया है। नेता कार्यकर्ताओं को जीत की उम्मीद पहले से थी। जलेबी का इंतजाम किया गया था। कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर ने बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था। बेंगलुरु में जेडीएस के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर पटाखे चलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिहाज से कुछ राज्यों में बड़ा उलटफेर हुआ है, वो कौन से फैक्टर हैं जानते हैं। उत्तर प्रदेश का बात करें, यहाँ के फैक्टर की बात करें तो बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, देखिए पश्चिम बंगाल की तो बीजेपी उम्मीदवार उम्मीद से बहुत कम सीटें इस बार जीत पाई है। वहीं राजस्थान का बात करें तो उम्मीद के मुताबिक बीजेपी के पक्ष में नतीजे नहीं आए हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र के फैक्टर की बात करें, वहां युक्ति का फीका प्रदर्शन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है। बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान इस बार उत्तर प्रदेश में होता हुआ नजर आया है। वहीं आगे बढ़ते हैं, बीजेपी भले बहुमत से दूर नजर आ रही है लेकिन एनडीए ने जादुई आंकड़े को पा लिया है। अब जानते हैं राहुल ने कैसे कांग्रेस को जो है संजीवनी दी है। नंबर वन, चुनाव नतीजों पर भारत जोड़ो यात्रा का असर जो है साफ तौर से देखा गया। भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, उस पर असर कहीं ना कहीं देखा गया। केंद्र सरकार की नीतियों का जोरदार विरोध इनके द्वारा किया गया, राहुल गांधी के द्वारा, जिसका असर देखा गया। तीसरी अगर हम बात करें तो राहुल की सजा और सदस्यता जाने का फायदा भी कहीं ना कहीं देखा गया, लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा। वहीं चौथे नंबर की बात करें हम तो सड़क से सोशल मीडिया तक लोकप्रियता का ग्राफ जो है राहुल गांधी का बढ़ता चला गया। पांचवें नंबर की अगर हम बात करें तो यहां पर गरीब महिलाओं को 1,00,000 रुपए देने का वादा राहुल गांधी के द्वारा किया गया, यह भी बहुत बड़ा फैक्टर हुआ जो काम किया। वहीं आक्रामक चुनाव प्रचार और बेरोजगारी मुद्दा जमकर जो है राहुल गांधी के द्वारा उठाया गया, ये 6 फैक्टर रहे जो बहुत ज्यादा इस चुनाव में हमें नजर आए और असर डालते हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 29 के अपने दावे को हकीकत की जमीन पर उतार दिया। बीजेपी ने कांग्रेस के अंतिम और कमलनाथ के इकलौते किले पर कब्जा कर लिया है और इसी तरह से सत्ता के इस महासंग्राम में बीजेपी ने 29 से 0 से मध्य प्रदेश में अपना विजय पताका लहरा दिया है। साल 2014, 29 में से 27 सीटों पर जीत। साल 2019, 29 में से 28 सीटों पर जीत। साल 2024, 29 की 29 सीटों पर जीत। और इसी के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी का मिशन क्लीन स्वीप पूरा हो गया। देश में भले ही एनडीए 400 पार के नारे को साकार नहीं कर पाए लेकिन मध्य प्रदेश की सभी 29 की 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। सीधी में बीजेपी के राजेश मिश्रा ने कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल को मात दी। शहडोल में हिमाद्री सिंह ने कांग्रेस के फुंदेलाल सिंह मार्को को मात दी। जबलपुर में आशीष दुबे ने कांग्रेस के दिनेश यादव को हरा दिया। मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते ने ओमकार सिंह मरकाम को हराया। बालाघाट में भारती पारधी ने सम्राट सरस्वत को शिकस्त दी। दमोह में राहुल लोधी ने तरवर सिंह लोधी को शिकस्त दी। होशंगाबाद में बीजेपी के दर्शन सिंह चौधरी ने संजय शर्मा को मात दी। तो खजुराहो में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के राजा भैया प्रजापति को पटखनी दी। खजुराहो की सीट कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के घटक समाजवादी पार्टी को दी थी, जहां से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द हो गया था। इसके बाद इंडिया गठबंधन ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के राजा भैया को समर्थन दिया था लेकिन बात नहीं बन पाई। रीवा में जनार्दन मिश्रा ने कांग्रेस की नीलम मिश्रा को हराया। सतना में गणेश सिंह ने कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा को मात दे दी। टीकमगढ़ में वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के पंकज अहिरवार को शिकस्त दी। भिंड में संध्या राय ने कांग्रेस के दिग्गज फूल सिंह बरैया को शिकस्त दी। मुरैना में शिव मंगल सिंह तोमर ने कांग्रेस के सत्यपाल सिकरवार को हरा दिया। ग्वालियर में भरत सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस के प्रवीण पाठक को हराया।
दिग्विजय सिंह का गढ़ कहे जाने वाले राजगढ़ में रोडमल नगर का सिक्का चला और उन्होंने दिग्विजय सिंह को पटखनी दी। भोपाल में आलोक शर्मा ने कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव को हरा दिया। विदिशा में बीजेपी के दिग्गज और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा को हराया। हाई प्रोफाइल सीट गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह को मात दे दी। तो वहीं सागर में लता वानखेड़े ने कांग्रेस के गुड्डू राजा बुंदेला को हरा दिया। बैतूल में दुर्गादास उइके ने फिर से जीत दर्ज की और कांग्रेस के रामू टेकाम को हरा दिया। देवास में महेंद्र सिंह सोलंकी एक बार फिर से जीत गए, उन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र मालवी को शिकस्त दी। धार में सावित्री ठाकुर ने कांग्रेस के राधेश्याम मुबेल को शिकस्त दी। इंदौर में बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी ने जीत दर्ज कर ली, उन्होंने बीएसपी के संजय सोलंकी को हराया। हालांकि यहां पर नोटा को बहुत ज्यादा वोट मिले और देश भर में यहां से नोटा ने एक रिकॉर्ड बना डाला। यहां बीजेपी को उसी वक्त वॉकओवर मिला था जब कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने नामांकन वापस लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। हाईकोर्ट ने कांग्रेस के डमी कैंडिडेट को प्रत्याशी मानने वाली याचिका को यहां खारिज किया था। खंडवा में बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस के नरेंद्र पटेल को शिकस्त दी। खरगोन में राजेंद्र पटेल ने पोरलाल परते को मात दी। मंदसौर में सुधीर गुप्ता ने कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर को हरा दिया। रतलाम में अनीता नागर सिंह चौहान ने कांग्रेस के दिग्गज कांतिलाल भूरिया को मात दी। तो उज्जैन में अनिल फिरोजिया फिर से लौट कर आ गए, उन्होंने कांग्रेस के महेश परमार को मात दी। और आखिर में मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट कमलनाथ के गढ़ और कांग्रेस के आखिरी किले छिंदवाड़ा में बीजेपी ने छेद कर दिया। यहां बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने कांग्रेस के नकुल नाथ को पटखनी देकर बीजेपी के मिशन 29 के सपने को साकार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। छत्तीसगढ़ में मिशन 11 फतह करने निकली बीजेपी ने प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया। पार्टी ने पिछली बार के लोकसभा चुनाव से एक कदम जो है आगे बढ़कर जीत दर्ज की। हालांकि बीजेपी प्रदेश में क्लीन स्वीप से चूक गई, वहीं पिछली बार दो सीटें जीतने वाली कांग्रेस एक सीट पर सिमट कर रह गई। छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद नतीजे आ गए हैं, जिसमें बीजेपी ने साल 2019 की 9 सीटों के मुकाबले इस बार 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं पिछली बार प्रदेश में दो सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार एक सीट पर सिमट गई। बस्तर में बीजेपी के महेश कश्यप ने कांग्रेस के कवासी लखमा को मात दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के मौजूदा विधायक कवासी लखमा को यहां हार का सामना करना पड़ा। कांकेर से बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग ने कांग्रेस के बीरेश ठाकुर को शिकस्त दी। वहीं महासमुंद में बीजेपी की रूप कुमारी चौधरी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को पटखनी दी है। राजनांदगांव में बीजेपी के संतोष पांडे ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेश बघेल को हराया। बिलासपुर में बीजेपी के तोखन साहू ने कांग्रेस के देवेंद्र यादव को मात दी। दुर्ग में बीजेपी के विजय बघेल ने कांग्रेस के राजेंद्र साहू को शिकस्त दी। जांजगीर चांपा में बीजेपी के कमलेश जांगड़े ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को पटखनी दी। राजगढ़ में बीजेपी के राधेश्याम राठिया ने कांग्रेस की मेनका देवी सिंह को शिकस्त दी। रायपुर सीट से बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के विकास उपाध्याय को हराया। वहीं सरगुजा से चिंतामणि महाराज ने शशि सिंह को पटखनी दी, जबकि कोरबा में बीजेपी की सरोज पांडे को कांग्रेस की ज्योत्सना महंत के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ज्योत्सना महंत ने यहां से दूसरी बार जीत दर्ज की। इस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से प्रदेश की सत्ता छीनने वाली बीजेपी ने पिछली बार के मुकाबले एक ज्यादा यानी कि 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो वहीं कांग्रेस ने पिछली बार के दो सीटों के मुकाबले इस बार केवल एक सीट पर ही जीत हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से बीजेपी ने 10 सीट पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस के हिस्से में मात्र एक सीट आई। कई दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी है। रिपोर्ट देखिए। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट, यहां से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था, लेकिन भूपेश बघेल को राजनांदगांव की जनता ने धूल चटा दी और बीजेपी उम्मीदवार संतोष पांडेय को जीत मिली। दुर्ग छोड़ बघेल के राजनांदगांव से चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने जमकर प्रहार किए थे। बघेल के भतीजे विजय बघेल ने भी जमकर घेरा था और अब राजनांदगांव के लोगों ने भी बघेल को हरा दिया। इसके बाद अब वो जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर दुर्ग को क्यों छोड़ दिया। राजनांदगांव कांग्रेस भूपेश बघेल हार, बीजेपी संतोष पांडे जीत। रायपुर से बीजेपी ने अपने 9 बार के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल को टिकट देकर इस सीट को हाई प्रोफाइल बना दिया। इनका मुकाबला कांग्रेस के विकास उपाध्याय से था। 9 बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा इलेक्शन में भी ब्रजमोहन अग्रवाल ने बाजी मारी, बड़ी जीत दर्ज करते हुए विकास उपाध्याय को बड़ी पटखनी दी। रायपुर बीजेपी ब्रजमोहन अग्रवाल जीत, विकास उपाध्याय कांग्रेस हार। एनडीए और नरेंद्र मोदी जी बहुमत के साथ में दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। जो विकसित भारत की परिकल्पना है, उस परिकल्पना को साकार करने में छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की परिकल्पना को भी हम साकार करेंगे। बस्तर छत्तीसगढ़ की आदिवासी वोटर्स वाली सीट, कांग्रेस ने यहां से पूर्व मंत्री कवासी लखमा को उतारा, लेकिन जनता ने उन्हें हार का रास्ता दिखा दिया और बीजेपी के महेश कश्यप को जीत मिली। इस सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का टिकट काटकर लखमा को टिकट दिया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बस्तर कांग्रेस कवासी लखमा हार, बीजेपी महेश कश्यप जीत। कोरबा से बीजेपी ने सरोज पांडेय को उतारकर चुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया था, लेकिन सरोज पांडेय को हार का सामना करना पड़ा और दूसरी बार ज्योत्सना महंत को जीत मिली। यहां की जनता ने सरोज पांडेय को नकार दिया। शायद सरोज पांडेय अब सोच रही होंगी कि काश पार्टी ने उन्हें दुर्ग से ही चुनाव लड़ा दिया होता, जहां से वो पहले भी सांसद रह चुकी हैं। कोरबा ज्योत्सना महंत कांग्रेस जीत, सरोज पांडेय बीजेपी हार। महासमुंद से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को टिकट दिया, लेकिन साहू को यहां हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की रूप कुमारी चौधरी ने उन्हें मात दी। महासमुंद कांग्रेस ताम्रध्वज साहू हार, बीजेपी रूप कुमारी चौधरी जीत। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ ने बीजेपी को बड़ी जीत दी। यहां की 11 सीट में से 10 सीट पर कमल खिलाकर मोदी की जीत में अहम भूमिका निभाई गई। वहीं कांग्रेस 2019 की तरह ही छत्तीसगढ़ में फिसड्डी साबित हुई और इंडिया गठबंधन की जीत में कुछ खास नहीं कर पाई। यूपी की रायबरेली और अमेठी में प्रचार करने वाले भूपेश बघेल अपना दुर्ग भी नहीं बचा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर यूपी के नतीजों में हुआ है। यूपी में दो लड़कों की जोड़ी ने 2017 के कलंक को धोते हुए सफलता का वो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जिसकी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को दरकार थी। कैसे राहुल अखिलेश की जोड़ी ने चुनाव में उलटफेर किया, कैसे अखिलेश के पीडीए ने नतीजों में कमाल दिखाया, पूरी कहानी समझते हैं। सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो। इधर ईवीएम से निकलते वोट का इतिहास लिख रहे थे, उधर दो लड़कों की जोड़ी खटाखट नया इतिहास लिख रही थी। इतिहास जिसमें दो लड़कों के हिस्से 2017 की हार का कलंक था वो मिट गया। भले ही सत्ता हासिल करने वाले नतीजे ना हो, लेकिन यूपी में जिस तरह दो लड़कों ने कमाल दिखाया वो विपक्ष के लिए भविष्य की उम्मीद जरूर लेकर आया है। 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देंगे। दो लड़के जो यूपी में घूम घूम कर संविधान बचाने की दुहाई देते रहे, दो लड़के एक समाजवादी पुरोधा मुलायम सिंह का सियासी वारिश जिसने अपनी बेदाग छवि और धारदार रणनीति से यूपी में भगवा विस्तार पर बड़ा ब्रेक लगा दिया,
तो दूसरा जिसे विरासत बचाने की चुनौती थी उसने अपनी मासूमियत से जनता का दिल जीत लिया और धुल गए वो सभी आरोप जिसमें गली गली खाक छानने वाले राहुल अखिलेश पर सहजादे होने का तंज मढ़ा जाता था। मैं सपा कांग्रेस के दोनों सहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। जब तस्वीरें मीडिया में आई तो कहानियां गढ़ी जाने लगी कि अखिलेश के कार्यकर्ता अनुशासित हैं। राजनीति पंडित तब तक भी ये बात नहीं समझ पाए कि बैरिकेटिंग तोड़ती ये भीड़ दो लड़कों की जोड़ी पर किस कदर फिदा है। नतीजे आए तो बेकाबू भीड़ की तरह ही सपा और कांग्रेस के लिए वोटों की बारिश नजर आई। जनता ने भी मन बना लिया जब वोट डालेंगे तो इनको कर देंगे फटाफट विदा। 2024 का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। उन्हीं में से एक इतिहास इस जोड़ी ने भी लिखा। जब बीजेपी 400 पार का नारा बुलंद कर रही थी, जब यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा बीजेपी नेता कर रहे थे, तब अखिलेश राहुल की जोड़ी जनता को ये बता रही थी कि 400 पार आए तो वो लोग संविधान बदल देंगे। कहना गलत नहीं होगा कि ये मैसेज जमीन तक पहुंचा। यहाँ पे मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है, सबसे ज्यादा वोटों से जिताना है। इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं मिलकर एक हो जाओ। अभी 2 साल पहले की बात है जब विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने यूपी में इतिहास रचा था। फिर 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा में पार्टी अपने टारगेट से पीछे रह गई? इसका जवाब भी दो लड़कों की जोड़ी है। दो लड़कों की जोड़ी ने ग्राउंड पर जमकर किया काम। राहुल गांधी का ग्राउंड वर्क काम आया। अखिलेश यादव अपनी मेहनत नतीजों में बदलने में कामयाब रहे। इसके अलावा कांग्रेस सपा कार्यकर्ता ने तालमेल से काम किया। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा बनाने में दो लड़कों की जोड़ी सफल रही। इन्हीं बातों के दम पर आज यूपी में ये उलटफेर सामने आया है। यूपी में विपक्ष की ऐतिहासिक बढ़त में अखिलेश की रणनीति भी खूब काम आई। अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया। पीडीए में पिछड़ा, दलित और आदिवासियों की बात की गई। कहना गलत नहीं होगा कि पीडीए वाली रणनीति रंग लाई। ये समाजवादियों की लड़ाई है, अलग लड़ाई है, लेकिन गठबंधन मजबूत हो उस दिशा में हम लोग काम। 2024 के चुनावी चक्रव्यूह को भेदने के लिए अमरोहा में पहली बार दो लड़कों की जोड़ी एक साथ नजर आई, लेकिन सियासी हलचल कन्नौज ने पैदा की। बब्बर शेर जो अब एक साथ टीम में जाके शिकार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। कन्नौज की जनसैलाब ने इस जोड़ी में जोश भर दिया। फिर तो राहुल अखिलेश की जोड़ी का ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला थमा ही नहीं। 2017 की गलतियों से सीख लेते हुए सपा और कांग्रेस ने इस बार हर कदम हर दाव एक रणनीति के तहत चला। अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में सिर्फ एक रैली की, लेकिन चौथे चरण में चुनाव पहुंचते ही ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर दी। फूलपुर और प्रयागराज में तो भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए। दोनों नेताओं ने अवध से लेकर पूर्वांचल तक चुनाव आते आते सियासी तपिश बढ़ा दी है और काउंटिंग के वक्त वोट बनकर निकली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।